वेजिटेरियन हो? यस, प्रोटीन के लिए तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, बहुत सारे हैं, जैसे पनीर है, मिल्क है और पीनट बटर। वो प्रोटीन सोर्स नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स, वो भी नहीं है। देन मिल्क, पनीर एक्सेट्रा। इन दिस वीडियो हम वेज प्रोटीन फूड्स एंड उसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी कि उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं एंड वी विल ऑल्सो एनालाइज कि हमें रोज कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। बट फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन? प्रोटीन एक एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है विच प्रोवाइड्स अमीनो एसिड्स। योर बॉडी नीड्स इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, हेल्प्स इन डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। बट अगर आप जिम जाते हो, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग लीन मसल। उसमें प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल। प्रोटीन कंजम्पशन फैट लॉस में भी हेल्प करता है एज इट इज द मोस्ट फिलिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब हाई प्रोटीन डाइट खाने से भूख कम लगती है एंड फुलनेस ज्यादा देर तक फील होती है। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 80% इंडियंस अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट चेंजेस विद योर एक्टिविटी लेवल्स। फॉर अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, WHO 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट रिकमेंड करता है। बट इफ यू आर इनटू फिटनेस एंड लुकिंग टू गेन मसल और लूज फैट, देन प्रोटीन इनटेक थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। वन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी शोज दैट यू शुड कंज्यूम एटलीस्ट 1.6 टाइम्स योर लीन मसल मास। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वे 80 kgs एंड हैव 20% बॉडी फैट, आपको अराउंड 100 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, जो वेजिटेरियन डाइट पे डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट बट पॉसिबल। सो लेट्स डिस्कस वेज प्रोटीन फूड्स एंड द कैलोरी कंटेंट। प्रोटीन इन 100 ग्राम्स के साथ यू विल आल्सो सी कि हम वन सर्विंग में कितना खाते हैं, बिकॉज वी कैन ईट 100 ग्राम्स पनीर। बट क्या हम 100 ग्राम कैश्यूज खाते हैं? प्रॉब्ली नॉट। फर्स्ट इज सोयाबीन। वेजिटेरियंस के लिए होल फूड्स में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है सोयाबीन्स एंड सोया चंक्स। इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन, विच मीन्स उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। 100 ग्राम्स में 52 ग्राम्स प्रोटीन होता है। बट डू वी रियली ईट 100 ग्राम्स? वी यूजुअली ईट इट इन अ सब्जी, जिसमें जनरली 15 टू 20 ग्राम्स होता है, विच हैज 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 130 कैलोरीज। एंड वन कटोरी और 35 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड सोया चंक्स हैज 53 कैलोरीज एंड 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। Another great soya product is tofu, which is low in calories and convenient to eat. Like soya chunks, tofu में भी सारे essential amino acids होते हैं. One serving में you can easily eat 100 grams tofu, which has 15 grams of protein and 140 calories. इसका कोई taste नहीं होता, so जिस gravy में डालोगे वो taste absorb कर लेगा. One great healthy combination is tofu and arhar ki dal. Next is everyone's favorite paneer. Paneer is rich in fat, protein, calcium, minerals, phosphorus and vitamins. स्पेशली B12। 100 ग्राम्स में आपको 18 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है एंड 310 कैलोरीज। रॉ, कुक्ड, ग्रेवी, ड्राई, हर फॉर्म में इट इज टेस्टी, राइट? व्हेन कंपेयर टू टोफू, पनीर इज हायर इन कैलोरीज, 2 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम एंड 5 टाइम्स ज्यादा फैट होता है। नंबर 4 इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन फास्ट, कन्वीनियंट, हाई क्वालिटी एंड लो कैलोरी प्रोटीन सोर्स है, जो इजिली डाइजेस्टेबल है एंड यू गेट 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन जस्ट 120 कैलोरीज। इन प्रोटीन क्वालिटी रैंकिंग्स, वे गेट्स अ प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर ऑफ 1, विच इज द हाईएस्ट। ऑल्सो नोन दैट सोय प्रोटीन, केसीन, मिल्क एंड एग्स का भी हाईएस्ट स्कोर है। मेजरली वे प्रोटीन कम्स इन 2 वराइटीज, वे आइसोलेट विच हैज 27 ग्राम्स प्रोटीन एंड लोअर इन कार्ब्स एंड फैट्स एंड हेंस लोअर इन कैलोरीज, एंड वे कॉन्सेंट्रेट जिसमें प्रोटीन कंटेंट कंपेरेटिवली कम होता है एंड कैलोरीज ज्यादा होती है। नंबर 5 इज माय फेवरेट कॉफी। ओ कॉफी नहीं, मिल्क। मिल्क इज अ न्यूट्रिएंट डेंस फूड ड्यू टू इट्स कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स। ये अमीनो एसिड्स स्पेशली ल्यूसीन में हाई है, जो मसल वेस्टिंग मिनिमाइज करता है एंड हेल्प्स इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस। मिल्क के अलावा ल्यूसीन आपको ग्रीन मूंग, सोय प्रोडक्ट्स एंड लोबिया में मिलता है। मिल्क प्रोटीन में 20% वे एंड 80% केसीन होता है। केसीन स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो ज्यादा देर तक फुलनेस फील होती है। एंड बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम एंड प्रोटीन कंटेंट, मिल्क हेल्प्स इन इंप्रूविंग बोन हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। 200 फुल फैट मिल्क हैज 116 कैलोरीज एंड 6 ग्राम प्रोटीन एंड 140 ग्राम कैल्शियम। एंड अगर आप कैलरी कॉन्शियस हो, देन ड्रिंक लो फैट मिल्क।
200 ml low fat milk has 70 calories and 7 grams protein. Number 6 are legumes, which include beans, peas and lentils. Include beans such as rajma and lobia, which have protein, antioxidants, complex carbohydrates, insoluble fiber, vitamins and minerals. ये incomplete protein है and इसमें 9 में से 8 essential amino acids होते हैं and 9th amino acid methionine missing होता है, which you can get from rice. इसलिए pairing of rajma chawal and lobia chawal makes sense. एक कटोरी या 100 grams beans में 9 grams protein and 130 calories होती है. Another category under legumes is lentils or dal. Lentils are low in saturated fat and high in potassium, fiber, folate and plant chemicals called polyphenols, जिसमें antioxidant properties होती हैं. Lentils contain slow digesting resistant starch, जो carbs का absorption delay करता है and blood sugar जल्दी rise नहीं करता. They are also a good source of prebiotics, जिससे digestion अच्छा रहता है. 2 कटोरी और 300 grams cooked dal has 14 grams protein and 240 calories. Eat a variety of dal, जैसे चना, अरहर, उड़द and मूंग दाल. Protein content बढ़ाने के लिए try to mix paneer और tofu. Next is green peas. Green peas saturated fat and cholesterol में low है. Vitamins and minerals के साथ, they are an excellent source of fiber. 1 cup or 160 grams boiled peas have 9 grams protein and 9 grams fiber and 134 calories. Include it in any vegetable, curry or gravy. Tasty combinations are mutter and soya chunks, mutter and paneer, and quinoa and mutter. The last food on this list is chickpea or chole. Isme bhi fiber high hai and there are good source of calcium and magnesium, jo bones ko strong banate hai. It also has iron, selenium and B vitamins. 1 katori or 100 grams boiled chickpeas mein 9 grams protein and 7.5 grams fiber hota hai and 162 calories. Isme high amount of fiber, raffinose hota hai, which is a prebiotic and gut health improve karta hai. An important tip to remember is not to eat chole with bhature or biryani. Instead, eat chole with steamed rice or chapati. Ab kuch aise foods discuss karte hain jo popular protein foods hain but uski utni quantity consume karna difficult hai ya calories bahut zyada hoti hain. 100 grams peanuts mein 27 grams protein hota hai but uske liye 150 peanuts khani padengi jo I think sabke liye possible nahi hai. And it has 600 calories. The same is with nuts and seeds. 100 grams almonds may 20 grams protein hota hai. But for that, you need to eat 80 almonds. And it also has 600 calories. Third example is peanut butter. 100 grams peanut butter may 600 calories hai and 30 grams protein. Next is roasted chana, which is also seen in 100 grams. 1 katori chana is difficult to eat, which is around 33 grams. But उसमें भी 135 calories हैं with only 5 grams protein. Broccoli जैसी vegetables को बहुत लोग high protein बोलते हैं and one stalk में सिर्फ 51 calories होती हैं. So it's a great option, right? But 30 grams protein के लिए आपको 1 kilo broccoli खानी पड़ेगी. Let me know if it is possible for you. So why there is a focus on fiber? A study of 70,000 people showed that 70% of Indians dietary fiber intake complete नहीं करते हैं. And fiber का one of the biggest benefit is that it improves gut health and prevents constipation. अगर आप vegan या vegetarian हो, lean source of protein limited है. मतलब, protein sources that are low in fat and calories के options बहुत limited है. As described in the video, काफी foods की carbs quality healthy है. But ये generally carb या fat rich होते हैं. And in comparison, protein की quantity कम. इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज एंड हर मील में प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करिए.